हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। देश में बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के मुख्य आर्च का काम पूरा हो गया है। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बन रहा है। भारत का चिनाब ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। स्ट्रेटेजिक महत्व के इस ब्रिज के बन जाने के बाद अब पूरी कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। जम्मू के उधमपुर से लेकर कश्मीर के बारामूला तक बन रही रेल लाइन USBRL प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस रेल लाइन के बन जाने के बाद भारतीय सेना को भारत चीन बॉर्डर तक पहुंचने में न सिर्फ सहूलियत होगी बल्कि 4 से 5 घंटे की बचत भी होगी। जाहिर है ये खबर चीन को परेशान करने वाली है। नॉर्दर्न रेलवे के GM आशुतोष गग्गल ने बताया कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, इसकी नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। इस ब्रिज को बनाने के लिए भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे ऊंची क्रेन का इस्तेमाल किया गया है। इससे आसमान में क्रेन के रोपवे से लटककर जाते बारिश स्टील के ब्रिज सेगमेंट अपनी निर्धारित जगह पर रख दिए गए। अब रेल लाइन का ये डेक आगे बढ़ेगा और चिनाब आर्च के ऊपर बन रहे पुल से जुड़ जाएगा, जिसके ऊपर रेल लाइन बिछाई जाएगी। USBRL के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विजय शर्मा ने बताया कि चिनाब ब्रिज का भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व है, क्योंकि इससे पूरी कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। इस पर बनने वाली रेल लाइन के चलते अब भारतीय सेना की चीन की सीमा तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस रेल लाइन से सेना को कश्मीर घाटी तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे की बचत होगी। इस खबर से चीन काफी परेशान हो रहा है। दरअसल कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को रेल लाइन से जोड़ने वाले इस रेल प्रोजेक्ट का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL। चिनाब ब्रिज इसी का एक हिस्सा है जो करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से बना है और पूरी रेल लाइन प्रोजेक्ट 28,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। 272 किलोमीटर इस रेल लाइन परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के CMD संजय गुप्ता ने बताया कि ये रेल लाइन हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला और मध्य हिमाचल की पीर पंजाल श्रृंखला के सबसे दुर्गम इलाके के बीच से गुजरता है। 272 किलोमीटर की इस रेल लाइन परियोजना में 38 सुरंगे और 97 ब्रिज है। उत्तर रेलवे जोन की इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया जा चुका है।
उत्तर रेलवे के इस ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे कर रहा है। USBRL रेल प्रोजेक्ट अगले 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं। पहला और तीसरा हिस्सा चालू हो चुका है। वो सबसे मुश्किल बीच का हिस्सा यानी कटरा से बनिहाल का 111 किलोमीटर का हिस्सा भी बन रहा है। पहला हिस्सा उधमपुर कटरा तक का है और तीसरा हिस्सा कांजीकुट श्रीनगर बारामूला का है। चिनाब ब्रिज के लिए 205 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनाई गई है जो रियासी और रामबन इलाके के 70 गाँवों को जोड़ती है। इससे 1.5 लाख लोगों को सड़क मार्ग मिला है। अगले 2 से 3 साल में USBRL पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन और रोजगार का बनना तय है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे इस रूट पर पारदर्शी शीशे की छतों वाली यानी विस्टाडोम कोच वाली ट्रेनें चलाएगा जिससे कश्मीर की सुंदरता को देखा जा सके। रेलवे का दावा है कि किसी आतंकवादी ब्लास्ट के हमले में भी इसे नुकसान नहीं होगा। एक स्पैन ध्वस्त हो जाने पर भी ये अपना काम करता रहेगा। इस पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी ये बर्दाश्त कर सकता है। इसके अनुमानित उम्र 120 वर्ष है। इसे सबसे अधिक तीव्रता वाले जोन 5 के भूकंप के झटकों को बर्दाश्त करने योग्य बनाया गया है। किसी बड़े भूकंप में भी इसे न्यूनतम नुकसान ही पहुंचेगा। इस पुल की लागत 1483 करोड़ रुपए है। 584 किलोमीटर की वेल्डिंग इसमें हुई है। इसका स्टील 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहने के योग्य है। पुल के निर्माण में 28,660 मैट्रिक टन स्टील लगा है। चिनाब आर्च में स्टील के बक्से हैं, जिसमें स्थिरता के लिए कंक्रीट भरा गया है। आर्च का कुल वजन 10,619 मैट्रिक टन है। मुख्य आर्च स्पैन की लंबाई 467 मीटर वर्टिकल है और 550 मीटर हॉरिजॉन्टल है। चिनाब ब्रिज की कुल लंबाई 315 मीटर यानी 1.315 किलोमीटर है। आपको चिनाब ब्रिज के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।